ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हर किसी के सामने अपनी गुफा का दरवाज़ा खोल देती है और हर कोई उसका खेत जोतकर चला जाता है। मूवी की शुरुआत होते ही हम जैनी नाम की लड़की को देखते हैं। जैनी बाथरूम में मज़े लेकर नहा रही होती है, लेकिन तभी उसकी मेड उसे जल्दी नहाने के लिए कहती है क्योंकि उसे यूके घूमने जाना था। कहीं देर ना हो जाए इसलिए वो उसे जल्दी नहाने के लिए कह रही थी। तभी जैनी के घर पर दो साधु आते हैं। जैनी के पेरेंट्स उन्हें अपना घर दिखाते हैं। वो उन्हें अपना घर दिखा ही रहे थे तभी जैनी नहाकर बाहर आ जाती है। जैनी को देखकर दोनों साधुओं की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि जैनी बिना कपड़ों के ही बाहर आ गई थी। ये देखकर जैनी के पिता जल्दी से उसे कमरे के अंदर धकेल देते हैं और साधुओं से माफ़ी मांगते हैं। जैनी कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड थी। उसे अपने अंगों का प्रदर्शन करने में मज़ा आता था और ख़ासकर वो अपने आमों का प्रदर्शन करती थी। इसके बाद दोनों साधु वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैनी कपड़े पहनकर बाहर आती है और वो यूके जाने से पहले अपने फादर से मिलती है। फिर उसके पिता उसे अपने पास बुलाकर कुछ पैसे देते हैं और उसे कहते हैं अपना ख्याल रखना बेटी और अपने आमों को किसी को चूसने मत देना। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपनी मॉम से मिलती है और गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। तभी वो अपने लवर चैंग की फोटो देखने लगती है। फिर वो उसे कॉल करती है और उसे भी अपने साथ यूके आने के लिए कहती, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो किसी जरूरी काम में बिजी था। ये सुनकर जैनी थोड़ा अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है जहां पर उसे अपनी फ्रेंड ऐना मिलती है जिसे उसका लवर शू एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था। उसका लवर कहता है, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता, और ये कहकर वो दोनों रोने लगते हैं। तभी जैनी काउंटर पर जाती है और अपना टिकट उसके नाम करवाकर उन दोनों को भेज देती है और खुद वो यहाँ अकेले ही रहने वाली थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो यहाँ रहकर अकेले ही मज़े करने वाली थी। इसके बाद वो एयरपोर्ट से निकलते टाइम एक कपल को देखती है जिसमें उसका हस्बैंड वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया हुआ था। वाइफ को छोड़ने के बाद हस्बैंड जैनी के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है क्योंकि उसकी पत्नी आज नहीं थी इसलिए वो जैनी के साथ मज़े करने वाला था। पहले तो जैनी उसे मना करती है, लेकिन जब वो देखती है उसकी वाइफ वापस आ रही है तब वो जानबूझकर उसकी तरफ देखते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो आदमी उसे अपने घर लेकर आता है। यहाँ पर जैनी अपने आम निकाल कर बैठ जाती है। ये देखकर वो आदमी खुश हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम कोई मॉडल हो? तब जैनी कहती है, नहीं मैं तो सिर्फ अभी पढ़ाई कर रही हूँ। वो आदमी उससे कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, और उसे चेक करने के बहाने उसके आम को सहलाने लगता है। जैनी को पता था उसकी वाइफ यहाँ कभी भी आ सकती है इसलिए वो उस आदमी को नहीं रोकती। तभी अचानक से उस आदमी की वाइफ आ जाती है और जैनी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उस आदमी की वाइफ उसे पीटने लगती है। दूसरी तरफ जैनी बिना कपड़ों के ही बाहर आ जाती है जिसे देखकर एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और उसकी गाड़ी दीवार से टकरा जाती है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जैनी शहर से दूर जाकर एक जगह पर बैठकर अपनी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातों से पता चलता है वो कुछ दिन अकेले रहना चाहती है और अकेले रहकर मज़े करना चाहती है क्योंकि उसका लवर अपने ज़रूरी काम में बिजी था। इसके बाद वो अकेले ही हांगकांग चली आती है जहाँ पर दो लड़के उसे देखते ही अपनी गाड़ी रोकते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ जा रही हो जाने मन, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। जैनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो दोनों लड़के एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक लेते हैं और जैनी की इज्जत टूटने लगते हैं, लेकिन जैनी उनसे कहती है, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं तो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ और तुम्हारे साथ गपा गप भी कर सकती हूँ। ये दोनों जैनी की बातें सुनकर पहले मैं की रट लगाने लगते हैं। इधर मौका देखकर जैनी अपनी पॉकेट से स्प्रे निकालकर उनकी आंखों में डालती है और उनके अंडे फोड़कर गाड़ी लेकर भाग जाती है। फिर वो एक जगह पर आकर गाड़ी रोकती है और उन दोनों के खींचने की वजह से जैनी के कपड़े बुरी तरह फट गए थे और वो रोड पर ही खड़ी होकर अपने कपड़े बदलने लगती है। जहाँ पर बैठा एक कपल उसे ये सब करते हुए देख रहा था। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ती है जहाँ फिर उसे एक पुलिस स्टेशन नजर आता है क्योंकि ये गाड़ी किसी और की थी। वो उस गाड़ी को वहीं पर छोड़कर अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लड़के अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं उनकी गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वो दोनों लड़के पुलिस को बताते हैं, ये गाड़ी हमारी है और एक लड़की ने हमें मारकर हमसे छीन ली थी। उन दोनों की शक्ल देखकर पुलिस को यकीन नहीं होता और वो उन दोनों पर जुर्माना लगा देता है। दूसरी तरफ जैनी होटल में एक कमरा लेकर बालकनी में बैठकर एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक से उसे अपने पास वाले कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वो उस कमरे की बालकनी में कूदकर आ जाती है जहां पर एक कपल संभोग कर रहा था और फिर जैनी एक कुर्सी लेकर वहां पर बैठकर आराम से उन्हें देखने लगती है। जब वो कपल जैनी को देखता है तब वो इस बात का बुरा नहीं मानते और वो जैनी के पास आकर बातें करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों भी ओपन माइंडेड थे। जैनी के पूछने पर वो लड़का अपना नाम योंग बताता है और लड़की चीना। इसके बाद ये तीनों शाम को बीच पर ही खूब मजे करते हैं। फिर जैनी योंग से पूछती है, तुम चीना को कब से जानते हो? तब योंग उसे बताता है, मैं चीना को सिर्फ 3 दिन पहले ही मिला हूँ। मैं किसी भी रिश्ते में तब तक ही रह सकता हूँ जब तक उस रिश्ते में प्यार का एहसास है।
अगर प्यार ही नहीं है तो उस रिश्ते में रहने का क्या फ़ायदा। जेनी उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, उसे योंग की हर बात सही लग रही थी। इसके बाद वो दोनों फिर से जेनी के सामने ही संभोग करते हैं और सुबह होने के बाद वहाँ से जेनी को बाय बोलकर निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जेनी फिर से बीच पर अकेले ही इधर उधर घूमने लगती है, तभी उसे देव नाम का बंदा दिखाई देता है। जेनी ने भी उसे देख लिया था। फिर जेनी उसके पास आकर उससे दोस्ती कर लेती है। कुछ टाइम के बाद जेनी उसके साथ उसके घर पर होती है। फिर वो डेव के घर पर जाकर डेव के बेड पर सो जाती है। इसके बाद वो उठकर डेव के साथ खाना खाती है। फिर वो डेव से पूछती है, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब मेरे साथ संभोग करने का मन हुआ था। इसके बाद वो और भी इसी टाइप की बातें करती है और फिर डेव के सामने अपने कपड़े उतार कर लेट जाती है और उसे अपने आम दिखाने लगती है। उसके मुलायम मुलायम आम देखकर डेव अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उन्हें चाटने लगता है। फिर ये दोनों दबाकर संभोग करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन जेनी और डेव शॉपिंग करने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ पर जेनी एक दुकान से अपने लिए चश्मा देखने लगती है। यहाँ पर उस दुकान का मालिक जेनी का सेक्सी फिगर देखकर उसे एक चश्मा और ड्रेस फ्री में दे देता है ताकि वो उसे पटा सके। ये सब डेव देखता है और उसकी जलने लगती है और वो जल्दी से जेनी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी वो दुकानदार उन दोनों को रोक कर एक बार में दारू पीने के लिए कहता है। जेनी उसकी बात मान जाती है। फिर ये दोनों शाम को उस बार में जाकर उस दुकानदार के साथ दारू पीने लगते हैं। सबसे पहले जेनी दारू पीती है और फिर उस दुकानदार के साथ चिपक चिपक कर नाचने लगती है। फिर इस बार में वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं जिन्हें जेनी ने मारा था। वो दोनों लड़के उन्हें देखकर समझ जाते हैं ये जेनी का बॉयफ्रेंड है। जब डेव वॉशरूम में जाता है तब वो दोनों लड़के उसके पास आकर कहते हैं, जेनी तो एक धंधे वाली है और वो एक बार का पानी निकालने का बहुत सारा पैसा लेती है। डेव ये सुनकर कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। तब वो दोनों कहते हैं, हम दोनों ने उसे पानी निकालने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। डेव को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उन पर चिल्लाकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तब वो देखता है वो दुकानदार जेनी को इधर उधर टच कर रहा है, लेकिन जेनी उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर रही है। ये देखकर डेव का दिल टूट जाता है और वो बाहर से अपने घर वापस आ जाता है। उसके जाते ही जेनी भी दुकानदार से अपना पीछा छुड़ाकर वापस चली आती है। कुछ टाइम के बाद जेनी जब वापस आती है तब डेव उसे धंधे वाली बुलाकर और बाजारू औरत कहकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। काफी रात हो चुकी थी इसलिए जेनी एक होटल में अपने लिए कमरा लेती है, जहां पर एक बुड्ढे की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने कमरे में उसे लेकर जाता है। लेकिन जेनी उस बुड्ढे को फंसा देती है और कहती है, ये बुड्ढा मेरी इज्जत लूट रहा था। अगली सुबह होटल से अपना सामान लेकर वो निकल पड़ती है। तभी उसकी मुलाकात योंग से होती है और जेनी योंग को अपने और डेव के बारे में सब कुछ बताती है। योंग जेनी की बातें सुनकर उसे बताता है, तुम्हारे लिए डेव बिल्कुल सही है, वो तुमसे सच में प्यार करने लगा है। तुम्हारी केयर करने की वजह से उसने तुम्हें डांटा होगा। जेनी को योंग की बातें समझ में आ जाती है और वो जल्दी से डेव के घर वापस आ जाती है, जहाँ पर डेव का एक दोस्त दरवाजा खोलता है। अंदर जाकर जेनी देखती है डेव ने उसकी याद में हर जगह उसकी तस्वीर बना रखी है। फिर वो डेव से मिलती है और अपनी सारी गलतियों की माफी मांगती है और डेव भी उसकी गलतियों को माफ कर देता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।